हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो हम चावल और आलू से इस रेसिपी को तैयार करेंगे, जिसे हम चावल बड़ा कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई ले लिया है, गैस को ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी पानी। पानी को हमें उबलने देना है। पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो हमें एक कटोरी चावल की आटा लेनी है, उसी के अंदाज से हम नमक डालेंगे और साथ में हम डालेंगे सफेद तिल। तिल डालने से बड़ा में एक अच्छा सा टेस्ट आता है। पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे। वो डाल देते हैं, शुरू करें। पानी में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी चावल का आटा। तो आपने देख लिया, हमने जिस कटोरी से पानी लिया है उसी कटोरी से हमने आटा लिया है। तो आप इसी मेजर से ऐसे पकौड़ा का डो तैयार करेंगे। हमें एकदम ड्राई डो चाहिए और इसे हम गैस कम करके अच्छे से आटा को मिक्स करेंगे। हमें फ्लेम स्लो कर लेना है। तो हमने अच्छे से गर्म पानी में चावल के आटा को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आटा अपना अच्छे से घुल जाएगा। गैस ऑफ कर दिए हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर को हटा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अपना डो जैसा चावल का आटा तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो हम एक कांच का बॉल लिए हैं और उसमें इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने एक कटोरी पानी में एक कटोरी चावल का आटा डाला, तो ये बिल्कुल गीला नहीं हुआ है, एकदम ड्राई ड्राई जैसा तैयार हुआ है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 हरी मिर्च को छोटा छोटा काट लिया है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो मिर्च कम डालिए। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने छोटा छोटा काट लिया है, उसे भी हम डाल देंगे। 1 प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए, और प्याज खाते हैं तो ये बड़े का टेस्ट में चार चांद लगा देता है। इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और इसमें हम 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू डालेंगे। तो आलू को हम ऐसे एकदम मैश के डालेंगे, आलू में गुठली नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे मैश देंगे। हमने 4 आलू को तोड़ लिया। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से अच्छा सा डो तैयार करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स एकदम स्मूथ मिक्स हो जाना चाहिए। हमने चावल के आटा के साथ आलू, मिर्च, धनिया पत्ता, सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम बारीकी से मैश लिया है। आपको दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया डो तैयार हुआ है।
ऐसे ही हमें स्मूथ डो चाहिए। तो चलिए हम इसके बड़े तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथ को ग्रीस कर लेंगे और डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ क्लीन हो जाए तो हम थोड़ा सा डो निकालेंगे। आप अपने मनपसंद साइज का बड़ा तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक गोल शेप देंगे, हथेलियों पे प्रेस करेंगे और बीच में हम फिंगर की मदद से एक होल बना लेंगे। तो ये रहा अपना बड़ा का शेप। ऐसे ही हम बाकी के भी बड़े तैयार करेंगे। एक गोल लोई बनाएंगे, हथेलियों पे प्रेस कर लेंगे और बीच में हम फिंगर की मदद से होल तैयार करेंगे। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला रेसिपी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे होल बनाना है, प्रेस करना है, फिंगर से होल कर देना है। तो चलिए हम बाकी के भी बड़े तैयार कर लेते हैं। हमने चार बड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें धीरे धीरे बड़ा छोड़ देंगे। तो हमें बड़े को एक साइड से 2 मिनट पकने देने के बाद एक बार टर्न करना है। तब तक हम दूसरा बड़ा तैयार करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे एक बार टर्न करेंगे। आपको मैं दिखा दे रही हूँ इतना अच्छा ये फ्राई हुआ है एक साइड से। ऐसे ही हम इसको दूसरे साइड से भी टर्न करके फ्राई करेंगे। हमने पकौड़े को टर्न कर लिया है, अब हम दूसरे साइड से भी 2-2.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से पक नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं, अब हम दूसरे साइड से इसे एक बार फिर टर्न कर लेंगे। दोनों साइड से एकदम करारी करारी पकौड़ा फ्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट पे एक टिश्यू पेपर रख लेंगे और एक झरनी की मदद से पकौड़े को ऐसे टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरने देंगे और इसे हम प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया और कितना आसानी से ये बड़ा तैयार हुआ है। तो चलिए हम दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। पहला बैच हमने निकाल लिया, तेल गरम है। दूसरा बैच हमने बना लिया है, इसे भी हम तेल में डाल देते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान और जल्दी होने वाला रेसिपी है। अब सेम प्रोसेस से हम इसे उलट उलट के फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया। इसका कलर देख के तो मन खुश हो जा रहा है। तो सेम प्रोसेस से हम इसे टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और बड़ा को हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम बाकी के सभी बैच फ्राई कर लेंगे। चावल और आलू का बड़ा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया आया है, एकदम करारी क्रिस्पी। तो इसे आप हरी धनिया की चटनी के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए और इसका लुत्फ उठाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये बड़ा की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।